नमस्कार, मैं पंडित एनसी शर्मा। तो मित्रों, आज का हमारा विषय रहेगा, मेरे से बहुत लोगों का कॉल आ रही है, मुझे पूछ रहे हैं कि गुरु जी हमें बताइए क्या हमको नीलम धारण करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और नीलम धारण करने से क्या क्या लाभ होते हैं, किन लोगों को ये नीलम धारण करना चाहिए जिससे उनको लाभ मिले, जीवन में प्रगति मिले। तो ये सब चीज़ें मैं आज आपका मेरा विषय रहेगा, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो आप हाथ से भी जान सकते हैं कि नीलम पहन करके किन लोगों को लाभ मिलेगा। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले तो आप जानते ही हैं कि नीलम जो धारण किया जाता है वो मध्यमा उंगली में किया जाता है, और नीलम का जो प्रतिफल है, जो नीलम से मुख्य रूप से ग्रहण होता है, वो आपके लिए, क्योंकि धन कारक उंगली है, मध्यमा उंगली धन कारक उंगली है, और धन कारक उंगली से तो धन ही मिलेगा ज्यादा। कुल मिलाकर के यदि यहां नीलम, अगर आपने इस फिंगर के टावर सही नहीं है, इसकी उंगलियां ठीक नहीं है, इस पर चिन्ह पर्वों पर ठीक नहीं है, तो आपने नीलम यदि धारण कर लिया तो विश्वास मानिएगा, निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर वो दुर्घटनाएं शामिल हो जाएंगी जो आपको जीवन को अर्श से फर्श पर ला देंगी। तो कुल मिलाकर आपको किन लोगों को नीलम धारण करना चाहिए, ये मेरा आज का सब्जेक्ट है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्यों नीलम पहनना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं, गुरुजी क्या नग पहनना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। निश्चित रूप से मैं बहुत सारे लोगों को कहता हूं कि आप लोग कोई भी नग मत पहनिए, क्योंकि बात यह है कि आपकी ग्रहण शक्ति, आपका जो टावर है वो सही है कि नहीं है। सबसे पहले टावर को सही, ग्रहण शक्ति को, जो यहां से पावर आती है, आपके घर का ये एंटीना है। अगर आपके घर के एंटीने पर अगर आपकी फिल्म सही तरीके से नहीं आ रही है, तो इसके लिए आप क्या करते थे, पहले लोग बूस्टर लगाते थे। तो जब बूस्टर लगाते थे तो फिल्म एकदम क्लियर हो जाती थी। वही सेम नगों का काम होता है, ये ग्रहण शक्ति के कारक होते हैं, और जिस क्षेत्र की ऊर्जा आपकी कम हो रही है उसको बढ़ाने का काम करते हैं ये रत्न। तो यहां यदि आपका एंटीना ठीक से काम नहीं कर रहा, ग्रहण शक्ति ठीक से नहीं है, तो इसके लिए पहले बूस्टर लगाते थे। आजकल क्या है कि रिसीवर और तरीके के लगाने लगे हैं, और नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हम लोग देखते हैं कि भाई बहुत बहुत बड़े उपकरण लग गए हैं ब्रह्मांड के अंदर, और उनके द्वारा हमको रिसीवर हम ग्रहण कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के आपका रिसीवर कैसा है, आपकी ग्रहण शक्ति कैसी है, आपका बूस्टर सही तरीके से काम कर रहा है, और उन्हीं लोगों को, देखिए बात क्या है कि ये आपका मान लिया, ये आपका जो टीवी है, और ये टीवी आपका यहाँ पर जियो का है, आपके जियो के कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, और जियो के कनेक्शन में का तो ले लिया आपने, यहाँ पर यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर जो रेंज आ रही है वो जियो की है, लेकिन आप कहाँ से ग्रहण उसको कर रहे हैं, आप उसको टाटा वाले एरिया में चले गए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं, हम लोग, मैं जाता रहता हूँ जो तीर्थ यात्रों पर, वहां देखता हूँ कि मेरा फोन काम नहीं करता, तो पूछता भाई क्या कारण, तो बोले भाई गुरु जी यहाँ पर जो है टाटा के टावर आते हैं। तो वही मेरा मतलब है कि जहां जिस टावर को जिस चीज की आवश्यकता है, यदि वो आपको नहीं मिलेगा तो आप अपने जीवन के अंदर उन्नति तरक्की के पथ पर नहीं चढ़ पाएंगे। तो चलिए मैं बताता हूं आपको कि किन लोगों को पहनना चाहिए नीलम, जिनको मिलेगा नीलम के पहनने से बहुत ज्यादा लाभ। तो देखिए, यहां पर ये मध्यमा उंगली जिन लोगों की, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की मध्यमा उंगली पर किसी भी प्रकार का कोई भी चिन्ह नहीं है, एकदम बिल्कुल सपाट है, ना कोई आड़ी तिरछी रेखा है, ना कोई खड़ी रेखा है, ना कुछ है, इसका मतलब यह है कि यह टावर जो है सिर्फ और सिर्फ केवल टीवी भी है, टावर भी है, ग्रहण शक्ति नहीं है, बूस्टर लगा हुआ नहीं है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये बूस्टर ग्रहण कर लेना चाहिए, ये नीलम पहन लेना चाहिए। मेरा दावा है, यदि आपकी उंगली पर कोई भी किसी भी प्रकार की यहां पर आड़ी तिरछी रेखा नहीं है, तो ये निश्चित रूप से आपका एकदम सपाट है, और आप नीलम पहनेंगे तो बहुत शानदार तरीके से आपकी ग्रहण शक्ति हो जाएगी। तो यहां
कुल मिलाकर के आपको ये चीज देखनी होगी कि यहां पर्वत पर चाहे कुछ भी है, क्या टावर से जो ग्रहण शक्ति आ रही है वो ठीक है या नहीं है। उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे कि जब आप नीलम यहां पहन लेंगे तो आपके यहां पर छोटी छोटी रेखाएं, इस प्रकार से लंबी बड़ी छोटी रेखाएं ये आ जाएंगी। तो ये वो ग्रहण शक्ति बन गई जिसके कारण आप सही निर्णय लेने लगे और ईश्वरीय कृपा आप पर बरसने लगी और आप पर जो है धन के आगमन बनने लगे। तो एक तो सबसे पहला कारण आप ये देखिए कि आपकी जो टावर है, जो उंगली है, वो ठीक है कि नहीं है। एक बात और, यदि किसी को बहुत बड़ी रेखा को नहीं, बहुत ध्यान रखने की बात है, यदि किसी को ऐसा लगता है कि कहीं बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक इस तरह से बिंदी जैसी कोई, बस ये जो इस तरीके की रही है, बस इसको कह, बस अगर बहुत बड़ी हो जाए किसी प्रकार से, इस प्रकार से काट दे, तो बिल्कुल भी आप नीलम धारण ना करें। यदि इस प्रकार की छुटक पुटक ये चीजें हैं तो आप यही कह सकते हो कि आपके टावर का जो तार है वो कहीं ना कहीं खराब है और उसको आप ठीक कर लेंगे। यदि आप इसमें नीलम धारण कर लेंगे तो आपकी ग्रहण शक्ति बढ़ जाएगी और आपके पास धन के आगमन बढ़ने शुरू हो जाएंगे। यदि आपके हाथ के अंदर कोई भी अशुभ किसी भी प्रकार से, यहां पर यदि इस प्रकार से काटने वाली रेखाएं हो, तो कृपया करके आप बिल्कुल भी नीलम धारण ना करें। या आपका यहाँ क्रॉस का चिन्ह आ गया तो आप बिल्कुल भी नीलम धारण ना करें। दूसरी बात, अगर यहाँ आपकी तो उंगलियों के बारे में बताया, यदि आप यहाँ जाएंगे तो ये है आपका पर्वत, तो यहां से आपकी ग्रहण शक्ति ठीक तरीके से काम कर रही है, परंतु आपने देखा सब कुछ है, यहां पर रेखाएं भी है, खड़ी रेखा है या कोई रेखा नहीं है, परंतु उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपके पास यहां पर जो है भाग्य रेखा भी है। अब आपने कहा गुरुजी मेरे पास भाग्य रेखा भी है, मेरे पास बिल्कुल एकदम जो शनि का पर्वत भी ठीक है, इस पर रेखाएं भी ठीक प्रकार से आ रही है, तो फिर मेरा भाग्य में उर्जित क्यों नहीं हो रहा? तो इसका कारण यह है कि ये सब ये कि आपके पास ये एक रेखा जा रही है, ठीक है, और ये रेखा जाने के बाद में यहां ग्रहण शक्ति भी ठीक है, यहां एकमात्र रेखा भी है, पतली है, मोटी है, खराब है, दूषित है, ये उसकी बात बात की है, लेकिन कुल मिलाकर यदि भाग्य रेखा पहुंच भी रही है और उसके बाद भी आपके पास धन के आगमन नहीं हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से यदि आप यहां पर नीलम धारण करेंगे तो 100% आपके धन के आगमन में आवेग आना शुरू हो जाएगा। धन तो आ रहा है, ठीक है, गुजारा हो रहा है, लेकिन जहां सही डिसीजन नहीं हो पाता, व्यापार नहीं चल पाता, क्या कारण है? तो ये उसके लिए भी यहां पर बहुत अच्छा काम करेगा। यहां पर यदि इस प्रकार से रेखा बन गई है, तब भी यदि आप नीलम धारण करेंगे तब भी आपके जीवन के अंदर नीलम बहुत ज्यादा आपको लाभ देगा। एक बात और, यहां पर यदि आपकी किसी भी फिंगर्स पर, यहां पर किसी भी फिंगर्स पर यदि किसी प्रकार का क्रॉस का चिन्ह है या अगर आपका कोई काला तिल है, तो कृपया करके नीलम धारण ना करें, वरना आप अनायास एक्सीडेंट के, अकस्मात मृत्यु तक के भी मैंने लोगों को देखा है, तो ऐसे लोगों को कदापि नीलम धारण नहीं करना चाहिए। एक बात दूसरा, अगर आप देखते हैं कि आपका शनि पर्व है और शनि पर्व पर नीचे की तरफ यदि नक्षत्र का चिन्ह बना हुआ है तो भी आप नीलम धारण ना करें। यदि आपके पूरे पर्वत के ऊपर यहां पर बहुत सारी एकदम यहां उल्टी सीधी रेखा इस प्रकार से काटने लगे कि आपके समझ में ही ना आए कि ये क्या है क्या नहीं है, तो भी इसको धारण ना करें। तो ये नीलम नहीं, ये पूजा पाठ की विषय बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा विषय है, इसको आसानी से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ जब ऐसे अशुभ चिन्ह होते हैं तो वहां पर पूजा पाठ का सहारा लेना पड़ता है। तो नीलम आपको किन परिस्थितियों में धारण करना है, ये मैंने आपको आज बताने का प्रयास किया कि यदि आपके हाथ के अंदर इस तरह की स्थिति बनी हुई है, यदि आपकी ग्रहण शक्ति सही नहीं है और बिल्कुल पर्वत भी है, तो यहाँ एकदम आप देख रहे हैं कि पर्वत पर किसी भी प्रकार से
यहां पर किसी प्रकार से कोई चिन्ह नहीं है, यहां भी कोई चिन्ह नहीं है, यहां से भी कोई भाग्य रेखा ऊर्जित नहीं हो रही है। तो ऊर्जित भाग्य रेखा को ऊर्जित करने के लिए, साथ ही साथ टावर की शक्ति बढ़ाकर धन को अर्जित करने के लिए आपको नीलम धारण करना चाहिए। ये मैंने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में आपको बताने का प्रयास किया है। आगे भी मैं अन्य विषयों पर आपको समय समय पर अवगत कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।